हाय गाइस, आपको हमारे चैनल नेक्स्ट इंडिया पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ऐसे ही भरोसेमंद प्रश्नों को रोजाना पाने के लिए तथा प्रत्येक दिन के सुबह में करेंट अफेयर्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? आपका ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य तथा चौथा ऑप्शन है विक्रमादित्य। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन है श्री गोपालन तथा चौथा ऑप्शन है श्रीधरन। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीधरन। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डब्ल्यू सी बनर्जी, ऑप्शन बी जेके मिश्रा, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है जेबी कृपलानी, यानी कि ऑप्शन सी। कांग्रेस और मुस्लिम के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1916 में, ऑप्शन बी है 1918 में, ऑप्शन सी है 1912 में तथा ऑप्शन डी है 1921 में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 1916। चलिए अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पहला ऑप्शन है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, बाबर और अहमद शाह अब्दाली के बीच, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं और पृथ्वीराज चौहान के बीच और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, यानी ऑप्शन ए। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? ऑप्शन ए है 3 महीनों तक, ऑप्शन बी है 4 महीनों तक, ऑप्शन सी है 5 महीनों तक तथा ऑप्शन डी है 6 महीनों तक। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 3 महीनों तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है NH 144, ऑप्शन बी है NH 98, ऑप्शन सी है NH 44 तथा ऑप्शन डी है NH 123। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी NH 144। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है बेसाल्ट, ऑप्शन सी है चूना पत्थर तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है वाशिंगटन डीसी तथा ऑप्शन डी है ब्रुसेल्स। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जिनेवा। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था?
आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी है बारदोली सत्याग्रह तथा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो ऑप्शन ए है धारा 351, ऑप्शन बी है धारा 358, ऑप्शन सी है धारा 356, ऑप्शन डी है धारा 355। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी धारा 356। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है रदरफोर्ड, जेम्स वाट, ग्राहम बेल तथा न्यूटन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रदरफोर्ड। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी महापरिनिर्वाण। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए है 1913, ऑप्शन बी है 1969, ऑप्शन सी है 1987 तथा ऑप्शन डी है 1951। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1969। अगला क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका ऑप्शन है हैदराबाद, श्रीहरिगंगा, तारापुर तथा बेंगलुरु। आपका समय स्टार्ट होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तारापुर। आपका अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध काउंसिल कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है सासाराम, ऑप्शन बी है राजगृह, ऑप्शन सी है बोधगया तथा ऑप्शन डी है सारनाथ। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि राजगृह। अगला क्वेश्चन है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 3000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 5575 डिग्री सेल्सियस तथा ऑप्शन डी है 9000 डिग्री सेल्सियस। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका तथा ऑप्शन डी है एशिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अफ्रीका। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? तो 73वें संविधान संशोधन, 53वें, ऑप्शन सी 57वें तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है यानी 73वें। तो दोस्तों यदि आपको पता हो पहले से सभी क्वेश्चन का आंसर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना न भूलें।
कमेंट में सभी का सभी उत्तर आप दें। धन्यवाद।